केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि 16 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती महाकुंभ के रूप में ग्वालियर में मनाई जाएगी। इस महाकुंभ में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। सिंधिया विपक्षी पार्टियों की एकजुटता पर जमकर बरसे भी, साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री की सुशासन और विकास की सरकार। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि जनसेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कैसे प्रहार किया जाए, जिसके चलते विपक्षी पार्टी बौखला रही है। भोपाल में मुझे अब आपके सबके मास्क निकल गए, वहां खड़े थे तो सब पहने हुए थे, अब यहां आए तो सबके उतर गए। भाजपा विपक्ष मुक्त भारत, मुझे तो आपकी चिंता है। देखिए, मैं यही कहूंगा कि भोपाल में भी यही प्रश्न मुझे पूछा गया था कि देर रात को विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, प्रधानमंत्री जी के 9 साल सुशासन की सरकार, सेवा भाव की सरकार, प्रगति और विकास की सरकार, भारत माता के तिरंगा को विश्व पटल पर उजागर करने वाली सरकार, जन जन के हृदय में जो स्थान प्रधानमंत्री जी ने पाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जिस सेवा भाव में कोरोना काल में जनता की सेवा की, और जो लोग एयर कंडीशन के कमरे में बैठे हुए थे, जिन लोगों ने एक तिनका नहीं उठाया उस कठिनाई के समय में, अब जब परीक्षा की घड़ी आ रही है तो बौखलाहट हो रही है और सब इकट्ठे हो रहे हैं कि कैसे एक जनसेवक पर प्रहार किया जाए, कैसे भारत के एक नवीन निर्माता के ऊपर प्रहार किया जाए। पर जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कवच भारत की जनता है, आप जैसे लोग हैं, वो लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री जी की योजनाओं और भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है सीधा साधा, और जीवन का स्तर एक एक व्यक्ति का जो प्रधानमंत्री जी ने उभारा है। इकट्ठे होते रहे, बौखलाहट होती रहे, भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद और अंत्योदय के लक्ष्य के साथ अपना कार्य करती रहेगी।